गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है बुक में उसको कैसे लिखना है, उसका अर्थ क्या है हम बताते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे साफ साफ अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहा था। इसका आंसर है, द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। लेखक रानीखेत जा रहा था जो कि एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन थी। फिर अगला है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक ने राष्ट्र के बारे में या देश के बारे में जानने के लिए क्या किया। द राइटर यूज टू टॉक द पीपल हु न्यू इंग्लिश। इसका आंसर है, द राइटर यूज टू टॉक द पीपल हु न्यू इंग्लिश। लेखक उन लोगों से बात करता था और यह कोशिश करता था कि कौन व्यक्ति अंग्रेजी जानता था। फिर अगला है, हु आर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। हु आर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, ये टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे कौन थे। तो इसका आंसर है, दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दोज रिफ्यूजीज हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थीं जो पाकिस्तान से भारत आए थे अगला क्वेश्चन है, चौथा, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ दीज रिफ्यूजीज। इन शरणार्थियों की दुर्दशा कैसी थी। आंसर है इसका, द कंडीशन ऑफ दीज रिफ्यूजीज वाज वेरी मिजरेबल। इन शरणार्थियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। इट वाज वेरी हार्ड टू अर्न देयर लाइव्स इन ऑलरेडी ओवर क्राउडेड मार्केट। जो स्थान या जो बाज़ार पहले से ही भीड़ युक्त था, ऐसे बाज़ार में इनके लिए अपने जीवन यापन को चलाने के लिए या अपने जीवन को कमाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था या बहुत कठिन था। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट्स ऑन द अर्थर। शरणार्थियों के बच्चे या शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डियों की भांति क्यों टूट पड़े। इसका आंसर है, द चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन द अर्थर बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन कुड बाय देयर थिंग्स। रिफ्यूजी बच्चे लेखक पर इसलिए टूट पड़े, टिड्डियों की भांति टूट पड़े, क्योंकि वह एक अमेरिकी था और उन्होंने सोचा कि वह उनके सारे सामानों को खरीद सकता था या उनके सामानों को खरीद सकता था। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हिच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड हवाई। उन विक्रेताओं में या जो सामान बेचने वाले बच्चे थे उनमें किस बच्चे ने लेखक का ध्यान सबसे अधिक खींचा और क्यों। तो अ गर्ल ऑफ 9 ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट बिकॉज सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर एंड एग्रेसिव वेंडर। एक 9 वर्ष की लड़की ने लेखक का ध्यान सबसे अधिक खींचा क्योंकि वह अपने सामानों या अपने वस्तुओं की जो है बहुत उत्साहपूर्वक विक्रेता थी और बड़ी विनम्रता से अर्नेस्ट प्लेडर और बड़ी विनम्र भाव से आग्रह करती थी अपने वस्तुओं को बेचने के लिए। फिर अगला है सातवां क्वेश्चन, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू ऑथर। व्हाई वर दे डूइंग शो। What were the children selling at a railway station according to author?
लेखक के अनुसार वे बच्चे रेलवे स्टेशंस पर क्या बेचा करते थे, वाई वर दे डूइंग सो, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। इसका आंसर है दे वर सेलिंग सिंपल आर्टिकल्स मेड बाई हैंड, बास्केट्स, रीड बास्केट्स, फैंस एंड अदर स्मॉल आर्टिकल्स विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स ऑन देम। वे बच्चे स्टेशंस पर हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बेचा करते थे जिनमें टोकरियाँ थीं, बांस, कच्चे बांस की बनी टोकरियाँ थीं, पंखे थे और कुछ अन्य वस्तुएँ थीं जिन पर जो है बहुत ही साधारण कलाकृति या बहुत ही साधारण डिज़ाइन और पैटर्न आकृतियाँ बनाई गई थीं। दे वर डूइंग शो टू अर्न देयर लाइवलीहुड, वे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए ऐसा कर रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। लेखक को छोटी लड़की या लेखक उस लड़की के टोकरी को खरीदने के लिए बाध्य क्यों हुआ। द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाई हर बास्केट, उस लड़की की जो है प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, गर्व और ग्रेसियसनेस, शालीनता ने लेखक को टोकरियां खरीदने के लिए बाध्य कर दिया। यानी लड़की जो है बड़े बड़े गर्व के साथ उस टोकरी को या उसके दिए हुए ग्रेटिट्यूटी या ऐसे कह सकते हैं दान को वापस कर दिया था और जिसके लिए वह अपने आप को गर्व महसूस कर रही थी, इसीलिए जो है लेखक को और कुछ सूझा नहीं, उसने उस टोकरी को खरीद लिया। अगला क्वेश्चन है नौवां, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, लेखक भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता था। द राइटर थॉट दैट द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया होगा, पीपल ऑफ के बाद इंडिया लिख लेना, हैव प्राइड फॉर देयर। द राइटर थॉट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्राइड फॉर, लेखक ने यह सोचा कि जो भारत के लोग हैं उनके अंदर फॉर देयर नेशन, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए गर्व है, इसकी स्वतंत्रता के लिए पैशन है, गर्व है एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी वेदर दे आर विलेजर्स और इन ऑफिस, और जो है वह लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी उनके मन के अंदर है यानी शालीनता है, चाहे वे गांव के लोग हों या फिर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी। दसवां क्वेश्चन है व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़कर या लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत क्यों आए। मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के डर के कारण या धार्मिक उन्माद के डर के कारण लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। ग्यारहवां क्वेश्चन है व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट द मनी एट चैरिटी, लड़की ने दान के रूप में दिए गए धन को क्यों स्वीकार नहीं किया। इसका आंसर है द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एट चैरिटी बिकॉज सी वॉन्टेड टू अर्न ऑन सेलिंग हर बास्केट्स, लड़की ने दान के रूप में उस धन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अपने टोकरियों को बेचकर धन कमाना चाहती थी। बारहवां क्वेश्चन है व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस के द्वारा बताए गए एक कृषक परिवार की जो एनुअल इनकम थी वह कितनी थी, यानी वार्षिक आय लगभग कितनी थी। द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली $100
गिवन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस ने जो बताया उसके अनुसार एक एग्रीकल्चरल फैमिली यानी एक कृषक परिवार की जो एनुअल इनकम थी वह लगभग $100 थी। ओके, सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लिसन इट केयरफुली एंड यू विल फॉलो वट आई से हेयर। सो स्टूडेंट्स, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।